नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बलौदाबाजार घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के लिए राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। चरणदास महंत ने बलौदाबाजार घटना पर देवेंद्र यादव को जेल भेजे जाने को लेकर कहा, बलौदाबाजार में हिंसा हुई तब राज्य सरकार को कानूनी रूप से जांच कर जो असामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाई, सतनामी समाज के जेठखाम को क्षति पहुंचाया, उन समाज असामाजिक तत्वों की पड़ताल करने की बजाय शासन अपने लोगों को बचाने के लिए निर्दोष युवकों को पकड़ रही है। जबकि इस घटना में भाजपा के भी कई विधायक पदाधिकारी समर्थन देने पहुंचे थे, परंतु उन पर कार्रवाई न कर सतनामी समाज के कई युवाओं को जबरदस्ती गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने जब सतनामी समाज का आवाज बनकर उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाई तो राजनीति षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार ने नोटिस भेजा। वे लगातार थाने में जाकर 3 घंटे तक अपना बयान दिया। इसके बाद भी पुलिस उनके घर पहुंच गई, बिना कोई सबूत के प्रमाण के उन्हें फिर नोटिस भेजा और पूछताछ करने के बहाने धोखे से पकड़ कर ले गई और जेल में डाल दिया। जबकि भाजपा सरकार के कुछ लोग उस हिंसा में शामिल थे। भाजपा की यह प्रदेश सरकार आहत हुए सतनामी समाज की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, असहाय, दलित आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है। जेठखम तोड़े जाने को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने सतनामी समाज के साथ हुए अन्याय को लेकर अपना समर्थन करने गए थे। भाजपा सरकार के द्वारा सतनामी समाज को आज देश में उन्हें कुचलने और बेवजह लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है, इसे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज समझ गए हैं और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। सतनामी समाज की मांग को लेकर हम सभी कांग्रेस मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता को सचेत करेंगे कि सरकार प्रदेश में विकास एवं दलित वर्ग को कुचलने का काम कर रही है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, पूरी प्रशासन व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कमेटी ने पूरे जिला कांग्रेस को निर्देश दिया था कि एक दिवसीय धरना करें और ये धरना हम सब लोगों ने कांग्रेस के सभी नेताओं को प्रत्येक ज़िले में भेज करके सभी विधायकों के साथियों को बुला करके सामाजिक लोगों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और पिछड़े वर्ग के लोगों को चेतावनी स्वरूप कि ये जो सरकार है वो सिर्फ आपको इधर उधर के बातों में भड़का कर हमारे जो निर्दोष कांग्रेस के लोग हैं, देवेंद्र यादव जैसे साथी हैं, उनको ये अंदर करना चाहती है, अंदर कर रही है और आने वाले दिनों में ये अत्याचार को और बढ़ावा देगी। आज ये संदेश देने आए हैं कि हमें अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना है। हम ये संदेश देने आए हैं कि हम उनके अत्याचार से नहीं डरते, बल्कि अत्याचार करेंगे तो हम दुगने सक्रियता के साथ उनका विरोध करेंगे, ये उनको बताने आए। आपने एक बात की, आरएसएस द्वारा आदिवासियों को भाजपा को चिट्ठी आई कि आदिवासी को वहाँ फांसी देना चाहिए, ये तो दुनिया जानती है। और राहुल जी अपने समय बहुत बहुत कहते थे कि आदिवासी भाई लोगों को वो वनवासी कहते हैं, और आज क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रियों का आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, क्या कारण है बताएं? वो धरना प्रदर्शन में सतनामी समाज में कई भाजपा के भी उसमें प्रदेश थे, परंतु उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जाते हैं। वो जानबूझ करके समाज को लड़ाना चाहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने वहाँ के लोग थे उनमें प्रमुख लोग थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया। जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उसमें या तो निर्दोष लोग हैं जो उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको गिरफ्तार किया, और भाजपा के लोगों को छोड़ दिया। कांग्रेस के गिने चुने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और वो हमारी प्रतिष्ठा को ख़राब करना चाहते हैं, वो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते तो वहाँ कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से सामाजिक समरसता स्थापित किया जाए, इस बारे में उनने एक भी बात नहीं सोची। आगे आप लोगों का और क्या मतलब रणनीति रहेगी आगे? मतलब हमारी रणनीति पहला युवक कांग्रेस कहा गया है, ये लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, उसके बाद एनएसयूआई करेगा। हम धीरे धीरे अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे ताकि इतनी बड़ी गलती, कांग्रेस को छेड़ने की गलती वो न करें।